नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि गाजीपुर में भी माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी रहे कमलेश सिंह की दो मंजिला बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जा रहा है कि करीबी कमलेश सिंह के इस अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कई बार नोटिस जारी किया था। दूसरी तरफ प्रशासन ने बस्ती में जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके चलते ग्राम समाज के भूमि अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया और उप जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार की टीम ने आवंटी को कब्जा दिलवाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर से, वहीं दूसरी तस्वीर है बस्ती से, तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज से। ये उषा सिंह पत्नी स्वर्गीय श्री कमलेश सिंह के खिलाफ जो है धारा 10 के अधीन, आरबीओ एक्ट में धारा 10 के अधीन एक नोटिस जारी की गई थी। इन्होंने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आगे 2 तल्ले का मकान बनाया हुआ था और सेटबैक को आच्छादित करते हुए भी कुछ निर्माण था, तो जिसके खिलाफ हमारे यहाँ पर मुकदमा चला और नियत प्राधिकारी का आदेश हुआ डिमोलिशन का 18/8/21 का। इसके पश्चात इन्होंने अपील दायर की थी नियंत्रक प्राधिकारी के यहाँ पर, जिसमें अपील इनकी निरस्त कर दी गई और डिमोलिशन नियत प्राधिकारी के डिमोलिशन आदेश को बहाल किया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन जुड़ेंगे। पवन, देखा जाए तो अब मुख्तार अंसारी के करीबी पर भी बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। जी बिल्कुल नंदनी, जिस तरीके से सरकार द्वारा अपराध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उमेश पाल उर्फ कृष्ण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस पूरे मामले को लेकर अभी तक जिस तरीके से पुलिस की कार्यवाही है वो सामने देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो पुलिस की कार्यवाही है और जो पीडीए की टीम कार्यवाही कर रही है, हालांकि सवालों के घेरे में भी है, क्योंकि प्रयागराज में लोगों का कहना है कि जिस तरीके से पुलिस टीम द्वारा करीब 13 आरोपियों को नामजद किया गया था और कई ऐसे आरोपी हैं जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, ऐसे में जो पुलिस की कार्यवाही है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी है। लेकिन ये जो पूरी कार्यवाही है वो अतिकेन कंपनी के आसपास इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की टीमें लगातार इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए लगी हुई है। अब जिस तरीके से प्रयागराज सहित अन्य आसपास के जनपदों में पुलिस टीम लगातार इस तरह की कार्यवाही कर रही है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं और बताया जा रहे हैं कि अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी के करीबी है जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो कार्यवाही है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके दिन दहाड़े बीच शहर में और सरे राह किसी को गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया जाए और आरोपियों की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में है, ऐसे में जो आरोपी है अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस की इंटेलिजेंस टीम है, जो पुलिस की एलआईयू की टीमें हैं, जो पुलिस का खुफिया तंत्र है, वो कहीं ना कहीं जो है वो सवालों के घेरे में है। हालांकि कई तरह की खबरें भी सामने आ रही है, जो आरोपी है उनकी तस्वीरें किसी नेताओं के साथ देखने को मिल रही है। लगातार जो पीडीए की टीम है और जो प्रशासन की टीम कार्यवाही कर रही है वो भी सवालों के घेरे में दिख रही है। पूरा जो मामला है वो बीते 24 फरवरी का है, जब राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को दिनदहाड़े गोलियों और गोलियों बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे में जो ये कार्रवाई है वो लगातार पीडीए की टीम अतिक्रमण कंपनी के आसपास जो है वो कर रही है। पूरे जो आरोपी हैं अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और आज जिस तरीके से ये कार्रवाई अभी चल रही है, चाहे वो मुख्तार अंसारी की बात की जाए या प्रयागराज में चल रहे अतीक के करीबियों के ऊपर की जो कार्रवाई है, वो कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम में जो शामिल आरोपी है, जो नामजद आरोपी है, वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है, ऐसे में जो कार्यवाही है। जी पवन पटेल, अभी बताइए कि बुलडोजर कार्रवाई अभी कितने लोगों पर और की जा सकती है? हालांकि अभी जो कार्रवाई है वो पुलिस ने लगातार 3 दिन की है और जो तीनों अभी तक कार्रवाई की गई है वो तीनों अतीक के करीबी बताए गए हैं। अच्छा, इस पूरे कार्रवाई का जो एक मुख्य पहलू है वो सामने आ रहा है कि जब पहले किस तरह की जो कार्रवाई होती थी वो सार्वजनिक की जाती थी कि इन आरोपियों पर या इन आरोपों को लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड के मामले में अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है इस पर किसी तरह के किसी भी अधिकारी ने अपना अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि किस तरह की कार्रवाई है। अब ये जो कार्रवाई हो रही है और आगे किस तरह की कार्रवाई होगी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रयागराज में जो अतीक के गुर्गे हैं, जो अतीक के करीबी हैं या जो भी इस पूरे घटनाक्रम के आरोपी हैं, उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। जी नंदिनी,
तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन पटेल। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ेंगे। पवन, देखा जाए तो लगातार एंटी माफिया अभियान के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा है जगह जगह पर। जी नंदनी, हम आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लगभग लागू है, और जहां योगी सरकार ने एंटी माफिया अभियान के तहत गाजीपुर में बड़ा एक्शन लिया है। गाजीपुर में माफिया मुख्तार के करीबी रहे स्वर्गीय कमलेश सिंह की दो मंजिला बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, और इसमें बताया जा रहा था कि बगैर नक्शा पास हुए बनी इस इमारत को पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने सदर कोतवाली क्षेत्र के फुल्लरपुर इलाके में स्थित मुख्तार के करीबी कमलेश सिंह के अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि वर्षों में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, जिसे बगैर नक्शा पास कराए ही बनाया गया था। कभी मुख्तार अंसारी के करीबी रहे कमलेश सिंह पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर रहे हैं, फिलहाल उनकी मौत हो चुकी है। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी रहे कमलेश सिंह के इस अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कई बार नोटिस जारी किया था। इसी क्रम में डीएम के निर्देश पर इस अवैध बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दो मंजिल बिल्डिंग में कई दुकानें बनी हुई थी, जिसमें वाणिज्य कर कार्यालय और यूनियन बैंक की शाखा भी थी, जिसे प्रशासन की नोटिस के बाद खाली करा दिया गया। बैंक की ब्रांच और वाणिज्य कर कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल मुख्तार के करीबी कमलेश सिंह के इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही हम आपको एक और अपडेट बता दे रहे हैं कि थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अंसारी इंटर कॉलेज में भी आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। पवन, देखा जाए तो लगातार तार से तार जुड़ते ही जा रहे हैं। वही बस्ती में भी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा करने वाले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार ये कार्रवाई कितने दिनों तक जारी रहेगी? जी हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हत्याकांड के बाद अपराधियों में सरकार का काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहाँ इस पाल हत्याकांड में करीब मुख्तार अंसारी गिरोह का भी नाम आया था। तब से जो है इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, अगर ऐसे भी अगर और भी नाम आते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार द्वारा आगे भी बुलडोजर की नीति अपनाई जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन मिश्रा। वही अगर बात करें तो बस्ती से हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। देखा जाए तो माफिया का बुलडोजर के प्रति जो एक्शन लिया जा रहा है वो अब बस्ती में भी चला है। जी आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जिला प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है, और जिसके तहत ये आज कुदरहा ब्लॉक में ये कार्रवाई की गई। और कार्रवाई करने में पहले यहाँ पे जमीन आमंटित थी मालती देवी के नाम पे, जो सरकारी थी, पट्टे की जमीन थी ये, तो इसको आमंटित किया गया था। और लगातार इस पे नोटिस दिया जा रहा था जिला प्रशासन द्वारा। और यहाँ पे सुखराम चौधरी जी जो थे, उनको नोटिस मिलने के बाद भी वो अपने मकान को नहीं ढहा रहे थे। अंत में जाके जब जिला प्रशासन टाइट हुआ है तो नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला एसडीएम के आदेश से वहां पर गए हैं और बुलडोजर चलाए हैं। और उनके पास कई ऐसे अभी भी भूमाफियाओं के लिस्ट हैं, जिसपे लगातार कार्रवाई अग्रिम जारी रहेगी। जी गौरव, जिस तरीके से आपने बताया कि कई भूमाफियाओं के नाम लिस्ट जारी, तो क्या उन पर भी बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, लगातार ये एक्शन लिया जा रहा है। और मेरी नायब तहसीलदार बस्ती सदर से जब बात हुई है तो उन्होंने कहा पूरी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैं ये लिस्ट आपको बता नहीं सकता। एसडीएम साहब से मेरी कल बात होगी, एसडीएम साहब से मैंने टाइम भी ले लिया है, उनसे मेरी कल बात होगी। एसडीएम से वो कल वो पूरी लिस्ट हमको बताएंगे। लगातार पूरी लिस्ट बन चुकी है जिला प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन बस्ती द्वारा बन चुकी है पूरी। जी यानी कि बस्ती में अभी भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रह सकता है? जी जी बिल्कुल, चारों तहसील में लगातार जो जिला प्रशासन है बिल्कुल एक्शन के मूड में है, और बुलडोजर समझ लीजिए सारे तहसीलों में खड़े हैं और लगातार जारी रहेंगे बुलडोजर। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव श्रीवास्तव जी। तो वहीं पर लगातार माफियाओं के प्रति बुलडोजर एक्शन जारी है। पहली तस्वीर आप गाजीपुर से देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर वहीं बस्ती से है, तीसरी तस्वीर प्रयागराज से है। लगातार उमेश पाल हत्याकांड को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है पुलिस का।
इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।